Hello Christians, hope you are well at your places. Today we are going to learn fire extinguisher with clay. Are you ready? Let's get started. Fire extinguisher का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है और इसके ऊपर रेड कलर पेंटेड होता है। तो चलो हम फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए लेते हैं रेड कलर और उसका एक बड़ा सा राउंड बना लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के होते हैं। ये देखो, ये हमने राउंड बना लिया है। अब हम इसको ऐसे रोल कर लेते हैं। हम इसको ऐसे रोल करके लंबा हम कर लेते हैं थोड़ा सा। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आग कैसे और किस चीज़ में लगी है इस पर निर्भर करता है। ये देखो, ये हमने राउंड कर लिया। अब हम दोनों को इस तरह से फ्लैट कर लेते हैं दोनों तरफ से। ये हमने फ्लैट कर लिया देखो अच्छे से, और ऊपर से इसको ऐसे से थंब से प्रेस करके राउंड कर लेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए लकड़ी, पेपर और कपड़े में लगी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक्सटिंग्विशर गैस में लगी आग को बुझाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये देखो, ये हमने ऐसे कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं ब्लैक कलर और उसका एक राउंड बना लेते हैं। ये देखो, ये हमने एक राउंड बनाया। अब हम इसको कर लेते हैं रोल। रोल करके हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सिलेंडर बना लेते हैं जो हम इसके नीचे ऐसे पेस्ट करेंगे। देखो, ये हमने इसको ऐसे पेस्ट किया और उसे रोल कर दिया। ये देखो, हमने अपने फायर एक्सटिंग्विशर के नीचे ये ब्लैक नीचे पेस्ट कर दिया है अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से ब्लैक कलर लेते हैं और उसका एक छोटा राउंड बना करके उसको भी एक सिलेंडर शेप दे देते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार के होते हैं। वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर एंड वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। ये देखो, ये हमने इसको रोल करके एक सिलेंडर शेप बना लिया है छोटा, और इसको इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखो, हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से ब्लैक कर लेते हैं और इसका एक थोड़ा सा बड़ा हम एक राउंड बनाएंगे। थोड़ा बड़ा सा हम इसका एक राउंड बनाते हैं। ये देखो, ये हमने एक बड़ा राउंड इसका बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वन साइड रोल करेंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे एक साइड से और एक साइड से थोड़ा मोटा रखेंगे। देखो, हम इसको ऐसे रोल करके वन साइड रोल कर लेते हैं। ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, इसको हम अपने फिंगर्स के बीच में देखो यहाँ रखेंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखो, जब हम अच्छे से इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो हमारे फिंगर्स के इसके अंदर इम्प्रेशंस आ जाएंगे और उनको हम ऐसे अच्छे से फिनिश कर देंगे। ये देखो, ये हमारे फिंगर्स के इम्प्रेशंस इसके अंदर आ गए जहाँ से हम इसको होल्ड करेंगे। ये देखो, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको ऐसे मोड़ देंगे एल शेप में। ये देखो, ये हमने ऐसे मोड़ा और इसको एक्स्ट्रा को यहाँ से कट कर देंगे और अब इसको इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अच्छे से। ये देखो, ये हमने इसके ऊपर ऐसे अच्छे से इसको पेस्ट कर दिया है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से ब्लैक कलर लेते हैं और उसका एक राउंड बना लेते हैं। देखो, ये हमने फिर से एक राउंड बनाया ब्लैक कलर का और उसको रोल करके लंबा कर लेते हैं। हम इससे इसकी पाइप बनाने वाले हैं। ये देखो, ये इसको हम इसे रोल करके लंबा कर लेंगे। ये हमने रोल करके लंबा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं फिर से एक ब्लैक कलर, उसका एक फिर से राउंड बनाते हैं। ये हम थोड़ा सा बड़ा राउंड बनाएंगे। ये देखो, हमने राउंड बनाया और इसको हम वन साइड रोल करेंगे। ये देखो, ऐसे हमने वन साइड रोल किया। अब इधर से हमने फ्लैट किया और दूसरी तरफ से भी इसको फ्लैट कर लेते हैं ऐसे। देखो, दोनों तरफ से फ्लैट किया है और इसको लेंगे, थोड़ा सा फिनिश कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखो, ऐसे हम इसको अच्छे से पेस्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ से फिनिश करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखो, ये हम इसको ऐसे पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं रेड कलर और उसका एक राउंड बनाते हैं। ये देखो, हम इसका एक राउंड बना लेते हैं। हम इसके ऊपर की एक कैप बनाने वाले हैं। अब इसको रोल करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से पतला कर लेते हैं। देखो, यहाँ से भी कर लेते हैं और इधर से भी थोड़ा थोड़ा सा पतला किया। आप फ्लैट भी कर सकते हैं बिल्कुल, और इसको प्रेस करते हैं। प्रेस किया, अब क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर हैंडल के ऊपर हम इसको रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम दूसरा कर लेते हैं येलो
उसका एक राउंड बनाते हैं, रोल करते हैं, देखो ऐसे ये रोल करेंगे, लंबा कर लेते हैं हम इसको, पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमने इसको कट किया और इस तरीके से एक राउंड शेप दे लेंगे देखो, और ये इसको और पतला करेंगे, और जो ये हमने अभी रिंग बनाया है इसके अंदर ऐसे डाल करके पेस्ट कर देंगे। ये हमारे एक्सटिंग्विशर की पिन है, इसको हम ऊपर पेस्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर ये रेड कलर पेस्ट कर देंगे। देखो ये हमारा एक्सटिंग्विशर बन करके तैयार हो गया है। होप यू ऑल हैव एंजॉयड एंड हैड फन लर्निंग विद क्ले। बाय बाय।